बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर फ्रॉम फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे HTML पैराग्राफ के बारे में। जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या इनके वो किसमें HTML पैराग्राफ में तकसीम में पड़े होते हैं, ठीक है। और इसको हम पी एलिमेंट यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पी। और इसमें हम एक एग्जांपल भी लेते हैं। मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। इसमें हम देते हैं अभी पी स्टार्ट किया और इसको पी को क्या करना है, क्लोज भी करना है। तो इसमें लेते हैं हम पैराग्राफ और इसके बाद एक और पी लेते हैं टैग और इसको क्लोज भी करते हैं। एंड अदर पैराग्राफ, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास पैराग्राफ, यानी कि हम इनको इस तरह लिखते हैं। अब मजीद में इनके बारे में ये है कि इनके ब्राउज़र इसके जब इसमें देखते हैं तो इसमें HTML डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, इसको डॉक टाइप पर क्लियर करते हैं। डॉक टाइप क्या होती है जी, HTML। और इसके बाद हम HTML का टैग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। HTML का टैग एंड किया और इसको किसके अंदर लेना पैराग्राफ को, बॉडी के टैग के अंदर, क्योंकि हम जो कंटेंट शो करवाना चाहते हैं वो कब कहाँ लिखते हैं, बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं उसको। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पैराग्राफ डॉट HTML। यहाँ से आरफा सेलेक्ट करता हूँ और ये सेव हो गया। अब इसको ब्राउज़र में आने से देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड पे और यानी कि टॉप पे कुछ स्पेसेस आ रही हैं। तो ये ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट होती हैं, इनको हम अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये इतनी स्पेसेस ब्राउज़र में आ जाती होती हैं पैराग्राफ में। और जैसे कि हेडिंग में आई थी उसमें हमने कोई मार्जिन या पैडिंग वगैरह नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्पेसेस आ रही थी, तो पैराग्राफ में भी आती होती हैं। तो इसके अलावा जो इसमें पैराग्राफ में है कि ये आप जो कोई भी HTML टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उसके बारे में श्योर नहीं होते कि वो ब्राउज़र में किस तरह जाके डिस्प्ले होगा, जब तक आप उसे रन करके नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि कुछ यानी कि हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट पे यूज़ करते हैं, PC पे भी उस वेबसाइट को क्या है यूज़ करते हैं, तो उनका क्या है टेक्स्ट यानी कि उस यानी कि जो ब्राउज़र हो जो भी स्क्रीन है उसके लिहाज से चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जिनके जो न्यू डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्स्ट के मेंटेन करने के लिए इसके दरमियान कुछ स्पेसेस डाल देते हैं, कुछ लाइंस वगैरह डाल देते हैं। तो ये क्या है, इससे कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जैसे ही ब्राउज़र का डिस्प्ले या स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज होगा तो वो स्पेसेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम दो और पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने काफ़ी लाइन देख डाले हुए हैं, जिस पैराग्राफ ये एक लाइन पे है, उसके नेक्स्ट लाइन पे कंटेन ए लॉट ऑफ लाइन, ये दूसरी लाइन है और तीसरी चौथी और पांचवी लाइन। तो ये क्या है, पांच लाइन्स हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या किया है, हमने कुछ स्पेसेस डाली हुई हैं वर्ड्स के दरमियान, तो हम चाहते हैं कि ये एज इट इज़ शो हो हमें ब्राउज़र में। देखते हैं ब्राउज़र में क्या होता है, देखें वो स्पेसेस और वो लाइन ब्रेक्स हमने डाले थे, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक था तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इसके अलावा हमने स्पेस कहाँ डाली थी, कंटेन के बाद इतनी सारी स्पेस डाली हुई है, लेकिन जहाँ कंटेन के बाद वो स्पेस ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, ठीक है जी। तो ये है कि हम इस तरह अपने यानी कि पैराग्राफ में स्पेसेस या लाइन ब्रेक नहीं डाल सकते।
जी, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर आपके पैराग्राफ के अंदर लाइन ब्रेक अगर हम खुद डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? एक नया पैराग्राफ रखते हैं, इसको स्टार्ट किया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, एंड कर दिया। दिस इज अ पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक, ठीक है जी। उससे हम दो इसमें कुछ लाइन ब्रेक डालते हैं, बी आर का टैग डाल देते हैं। ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि बी आर का टैग इसलिए होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये विद नो एंड टैग, एंड टैग लगाना ज़रूरी नहीं है लेकिन डब्ल्यू थ्री सी वैलिडेशन में लगाना उसमें लाजमी है। तो ये हमने एक एंड में पैराग्राफ लिया, तो इसको हमने 300 में डिवाइड किया ये है, ब्राउज़र में देते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये तीन यानी कि उसमें हिस्सों में तकसीम हो गया है, क्योंकि हमने इसके अंदर बी आर का टैग डाला और उसने उसको नई लाइन पर लिया, यानी कि जिस इसके बाद क्या है, बी आर का टैग है तो इसके बाद जो पैराग्राफ है वो न्यू लाइन पर चला गया। ये है जी हमारे पास बी आर। तो इस तरह ये अगर हम कोई पोइम वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी ऑटोमेटिकली स्पेसिस लाइन ब्रेक रिमूव हो जाएंगी। तो इसका हल ये है कि ब्राउज़र में चेक करते हैं एंड वाले पैराग्राफ को कि हम वहाँ पे क्या होता है। तो ये देखें, ये एक लाइन में सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है, हालांकि यहाँ पे ये यानी कि हर जो एक लाइन है न्यू लाइन पे जाकर शुरू हो रही है। तो इसका हल क्या है, तो इसका हल ये है कि हम पैराग्राफ के टैग की जगह प्री का टैग यूज़ करते हैं जो कि फॉर्मेट टैग को डिफाइन करता है। तो इसमें फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट वगैरह यानी कि यूजली कोरियर फॉन्ट यूज़ होता है, तो वो यानी कि वो उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं। इसमें जैसे हम यानी कि लाइन लिखते हैं यहाँ पे लाइन एंड करते हैं तो वैसे ही एज इट इज़ वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होती है। तो इसके इसमें हम ये करेंगे, यही पैराग्राफ कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ पर हम प्री का टैग यूज़ कर लेते हैं, उसको स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करते हैं। ये देखें ब्राउज़र में ये एज इट इज टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्री के टैग की वजह से, क्योंकि इससे जैसे हम यानी कि इसमें यानी कि अपने एच टी एम एल के पेज में टेक्स्ट लिखते हैं वो एच टी इसी तरह डिस्प्ले शो आ जाता है। यह भी एच टी एम एल पैराग्राफ लेते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।